हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड लेजेंडरी पोकेमोन्स कैसे ले सकते हैं। गाइस, आपको पता है गाइस, पोकेमोन को में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स आ चुके हैं, बट जो ओल्ड लेजेंडरी पोकेमोन हैं जो एक बार आ चुके हैं, उन्हें हम दोबारा कैसे मतलब कैच कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है गाइस, ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है गाइस। तो ये जो वीडियो बन रही है गाइस, ये आप लोगों की डिमांड पर बन रही है, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आए थे और कुछ दिन पहले आए थे गाइस। तो इसके ऊपर मैंने सोच रखा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, और आज मैं वीडियो बना रहा हूं गाइस। तो हम देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स होंगे जो कि अभी जस्ट रिसेंट के हैं गाइस, कुछ ही महीनों के हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, ये म्यूटू हो गया, लैटियोस हो गया, गिराटिना, तो ये सब देख सकते हैं गाइस आप लोग। तो ये सारे पोकेमोन जो आगे जा चुके हैं, इनको दोबारा कैसे कैच कर सकते हैं, ये वीडियो का टॉपिक है गाइस। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है गाइस, और वो मेथड ये है कि आपको करनी पड़ेगी गाइस एक लकी ट्रेड। तो भाई, लकी ट्रेड का सीन ऐसा है कि लकी ट्रेड कोई ऐसा नहीं कि मतलब आपने सोचा कि आज डिसाइड कर लिया और आज ही लकी ट्रेड कर लेंगे, नहीं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूं गाइस कि इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो उसको एंड तक देखना है। तब तक के लिए गाइस, अभी फिलहाल के लिए लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे गाइस अगर नए हो चैनल पर, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो भाई, सीन ऐसा है कि अगर आप लोग अभी रेड्स कर रहे हैं गाइस, तो आप लोगों को मिनिमम गाइस 6 या 7 रेट्स करनी है गाइस, मिनिमम 6-7 रेट बोल रहा हूँ मैं। उससे क्या होगा गाइस कि आप लोग अभी से लेजेंडरी पोकेमोन्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। और गाइस, जब भी आप लोग किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, तो आप डेली आपको एक्टिविटीज़ करनी है, गिफ्ट्स खोलना है, गिफ्ट भेजने हैं गाइस, इन चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी है गाइस। और काफ़ी सारे ट्रेनर ऐसे जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास फ्रेंड ही नहीं है गाइस, तो उन लोगों के लिए स्पेशल चीज़ है गाइस, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वो जाके ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर आप लोग आपस में ट्रेनर कोड शेयर करो गाइस। ठीक है, रिक्वेस्ट मिलेगी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ट्रेनर कोड कमेंट कर दो, मैं उसको अप्रूव कर दूंगा ताकि वो सबको दिखे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं इसमें जो कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी रेट चल रही है किसकी, रेजी स्टील की रेट चल रही है, रेजी रॉक की चल रही है, रेजी आइस की चल रही है। तो क्या करना है आपको, आपको ये तीनों पोकेमोन बहुत सारे पकड़ने हैं, ताकि अगर कल आपका कोई फ्रेंड लकी फ्रेंड बनता है, तो उसको आप रेजी स्टील दे के उससे आप म्यूटू ले लें। ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड है, इससे बढ़िया कोई और मेथड नहीं है। अगर आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो ना, तो गाइस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नॉर्मल ट्रेड करने ही नहीं है गाइस। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या सीन है गाइस, आपकी पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्टारडस्ट लगेगी, लगभग 1 मिलियन स्टारडस्ट लगेगी, जिसका कोई यूज़ नहीं है, आप दे दो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या करना है गाइस, अगर आपको बात समझ में आ रही है, अभी जो पोकेमोन चल रहा है उसकी रेट्स करो गाइस। अब मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ गाइस, फैक्ट के बारे में बता देते हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ पोकेमोन गो में क्या होता है, तो जैसे कि मैं दोबारा लेजेंडरी पोकेमोन में चलता हूँ और रिसेंट को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने पोकेमोन को खेलना शुरू किया था, तो ये कुछ पोकेमोन्स मैंने GBL के थ्रू पकड़े थे। ठीक है गाइस, अब इन पोकेमोन को कैच करने के बाद क्या हुआ, ये पोकेमोन पिछले साल के हैं, मई के महीने के हैं, मार्च के महीने के हैं, अप्रैल के महीने के हैं गाइस। ठीक है, पर ये सारे पोकेमोन डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हैं। तो आप देखेंगे गाइस, ये पोकेमोन एक बार तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, आगे जाके आपको ये पोकेमोन फिर दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप लोग चलो हीटरन को भी ले लो, हीटरन के बाद से हम लोग देखते हैं गाइस, तो क्रिस्टिलिया मुझे यहाँ दूसरी बार मिल रहा है। एक बार क्रिस्टिलिया मुझे यहाँ पर रिसर्च के थ्रू मिला था, ये देख रहे हैं गाइस, ये क्रिस्टिलिया है। उसके बाद मुझे दोबारा क्रिस्टिलिया कब मिला, उसी साल रिसर्च के थ्रू, तो मुझे पुराना पोकेमोन दोबारा मिल गया गाइस। ठीक है, उसके बाद आर्टिकोनो है, जेपडोस है गाइस, मोल्ट्रेस है, ये गिराटिना की रेट्स की गई हैं गाइस, ये सब लाइव स्ट्रीम में की गई हैं। ठीक है, शैडो म्यूटो तो दोबारा मिल गया मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लूगिया है गाइस, ये देखिए कोबेलियन गाइस, यहाँ मेरे पास कोबेलियन है, और कोबेलियन मेरे पास स्टार्टिंग में भी था, तो ये कोबेलियन दोबारा मिला है, ट्रैकियन दोबारा मिला है, विरेजन दोबारा मिला है गाइस। ठीक है, तो ये पोकेमोन्स अभी देखिए, रेजीरोक, ये देखिए रेजीरोक ही पिछले साल का है गाइस। ठीक है, 2020 वाला रेजीरोक है, 2020 वाला रेजिस्टील है, 2020 वाला रेजी आइस है, और ये हो भी गाइस रिपीट हो रहे हैं। हीटरन दोबारा आ गया गाइस, क्योगर दोबारा आ गया, ग्राउडन दोबारा आ गया, रेक्वाजा दोबारा आ गया गाइस, एंटाई, ये सब देखिए गाइस, ये पोकेमोन कैच किए मैंने। म्यूटू गाइस मुझे दोबारा मिल गया, 3 बार म्यूटू मिल चुका है मुझे। आर्टिकोनो, मोल्ट्रेस, ये सब दोबारा आ गया, ये थंडरस दोबारा आ चुका है गाइस, लैंडोरस भी दोबारा आ गया। तो गाइस ये क्या गाइस, इससे क्या होता है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो हम लोग रेड्स करते हैं, ये कोई लास्ट रेड नहीं हो रही है गाइस। अब आप डियाल्गा और
पालकिया की बात करें गाइस तो वो रेट्स भी दोबारा आएंगी, बट कैसे आएंगी वेट करो, और कोई तरीका नहीं। या फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच करके रखो। ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स होने से क्या फ़ायदा होंगे गाइस, जैसे कि डेलगा की कीमत बहुत ज़्यादा है गाइस, तो मतलब कुछ लोग क्या डेलगा बेचना शुरू कर दिए हैं, वो आपसे कुछ रुपये लेंगे आपको डेलगा देंगे, जो कि मतलब गलत होता है। वो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स होंगे, जैसे कि आप लोगों ने जर्नियस बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है और आने वाले 2 साल तक जर्नियस पोकेमॉन को में ना आए, तो भाई उस पोकेमॉन की बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी अपने आप। येवल्टल गाइज इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, आने वाले टाइम तक अगर येवल्टल ना आए तो गाइज उस पोकेमॉन की ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी गाइज। अब जिसके पास येवल्टल नहीं है, वो येवल्टल अब इस टाइम पे कैसे लेगा मैं बताता हूँ गाइज। मैंने यहाँ पर येवल्टल लिया है बिना रेट्स के लिया है गाइज, और वो मेथड मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये है गाइज येवल्टल अपना लकी पोकेमॉन। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं लकी पोकेमॉन यार मतलब पहले तो भैया बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, बेस्ट फ्रेंड बनने में इतना टाइम लगता है, बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद लकी फ्रेंड कब बनते हैं उसके भगवान को भी नहीं पता गाइज, ठीक है। तो भाई ये चीज़ थोड़ा किस्मत के ऊपर है। आपको बता दूं गाइज मेरे पास शाइनी म्यूटू नहीं है, बट जिस दिन मेरा जो फ्रेंड है गाइज वो लकी फ्रेंड बन गया, उस दिन मेरे पास लकी शाइनी म्यूटू आ जाएगा। बताओ कोई जवाब है इसका? नहीं है। तो भाई साहब सबसे बेस्ट मेथड है लकी फ्रेंड। मैं आज से ही कह रहा हूँ गाइज, वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको आज ही गाइज जितना हो सके उतने लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच कर लो। ये बात सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग कुछ निंजा टेक्निक्स यूज़ करते हैं गाइज, क्योंकि हर आदमी इतने लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं बात गाइज रजिस्ट्रल की रेट चल रही है, मैंने कितनी रजिस्ट्रल पकड़े होंगे गाइज। मैंने सिर्फ एक ही रजिस्ट्रल की रेट किए गाइज, एक रेजी रॉक की रेट किए गाइज, और अब एक रेजी आइस की रेट करूँगा आज या कल में, बस मुझे और चाहिए ही नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी इतने भरे पड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए, और ना मैं शाइनी हंट करता हूँ गाइज। ये चीज़ दिमाग में डाल लो कि शाइनी हंट भी छोड़ दो, सब छोड़ दो गाइज, तुम्हारी ज़रूरत क्या है उस पर फोकस करो। अगर आप लेजिट प्लेयर हैं तो आप बस 5-6 रेड कर लो मैक्सिमम गाइज, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा रेड करने ही नहीं है गाइज, क्योंकि आप इतने पोकेमॉन यूज़ ही नहीं करोगे यार, इतने लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, इनका बहुत बड़ा खर्चा गाइज, इनकी फौज बना के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है गाइज। फौज से क्या होगा कि मतलब आप कोई रेड्स करने जाओगे तो वहाँ पर आप सोलो कर लोगे या डुओ कर लोगे, आजकल वो टाइम ही नहीं है, आजकल लोगों के पास निंजा टेक्निक्स हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है गाइज। तो इतने पोकेमॉन कैच करो जितना कर सकते हो गाइज, आपको हर वीक एक फ्री रिमोट रेड पास मिल रहा है, अगर आप डेली एक्टिविटीज़ पूरी कर रहे हैं गाइज, स्टैंप ड्यूटी वाला काम कर रहे हैं गाइज, फील्ड रिसर्च डेली पूरी कर रहे हैं, तो आपको एक रिमोट रेड पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बस। तो गाइज वो उसका यूज़ करो, उससे रेड्स करो। और गाइज अब देखो, अब सीज़न, अब बात यह है कि गाइज स्पेशल रेड आने वाली है भाई, लोग ग्राउडन कमेंट कर रहे हैं, लोग रेक्वाजा कमेंट कर रहे हैं, लोग वो वाले पोकेमॉन कमेंट कर रहे हैं जो 3 महीने पहले आए थे गाइज, 4 महीने पहले आए थे मान लो, चलो रेक्वाजा तो अभी जल्दी आया था, लोगों वो वाले पोकेमॉन चाहिए गाइज। आप खुद सोचिए गाइज कि ट्रेनर्स कितनी स्पीड से पोकेमॉन को ज्वाइन कर रहे हैं गाइज, और छोड़ भी रहे हैं वो अलग बात है, बट कितनी स्पीड से लोग आ रहे हैं कि लोग पिछले महीने का पोकेमॉन कैच करने के लिए बोल रहे हैं। लैंडोरस की डिमांड हो रही है गाइज स्ट्रीम में, मैं तो लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं लोगों की बातें चलती है पता, मुझे लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ गाइज, तो लोगों की डिमांड मेरे को पता रहती है, लोगों क्या चाहिए गाइज। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मेन टिप प्रो टिप यही रहेगी कि जो प्रेजेंट में पोकेमॉन है उसको जितना हो सके उतना कैच कर लो, रैंक 20 करो, GBL से कैच करो, कहीं से भी करो गाइज, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो आइटम बैग्स में करो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।